हेलो जी, हैप्पी दिवाली। नहीं नहीं, आई नो डिले है, पर हमारी दिवाली आज ही है। अच्छा, तो अगस्त मेरे को कॉपीराइट की धमकी पहले ही दे चुका है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। और इसने मेरे को बोला था कि भाई इस वीडियो के अंदर ब्रांड का प्रमोशन मत करना, और इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर एक ब्रांड डाला है। अब मेरी क्रेजी आर्मी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐप को अच्छा रिस्पॉन्स है, इसलिए प्लीज स्किप मत करना और डाउनलोड करना, क्योंकि कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर गाली है तो प्लीज ईयरफोन डाल लो, और या तो आप यूट्यूबर हो या कभी यूट्यूब पे आने का सोचा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसके अंदर क्रिटिसिज्म है, फैक्ट्स है, और हाँ ये मेरा ओपिनियन है, हेट नहीं है यार। वीडियो डाली थी YouTube Expo, जिसके अंदर मैंने YouTube इंडिया की हिपोक्रेसी, यूट्यूबर से रिलेटेड प्रॉब्लम और YouTube इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कैसे भैया YouTube मार्केटिंग के जरिए YouTube को TikTok बनाना चाहता है, और इसीलिए उन्होंने फैनफेस्ट हेल्प करने के लिए बुलाया था दुष्यंत कुकरेजा को। यार इतना टैलेंटलेस होने के बाद, कॉपी जोक्स होने के बाद, मेरा पॉइंट ये था कि भैया इन जैसे क्रिएटर्स को क्यों बुलाया। फिर दूसरा पॉइंट था मेरा कि चलो इसको बुला लिया, इसके नंबर है, तो इसके साथ बुलाया गया था इसकी बहन को। ये मेरा ओपिनियन था। जब मैंने वीडियो पब्लिक करी तो मेरे को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और काफी बड़े यूट्यूबर्स भी मेरे सपोर्ट में आए। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है एक गस्ती अगस्तिया की। कौन है वो? मेरे को भी पता है कि इसको कोई नहीं जानता, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। ये है अगस्तिया और ये है दुष्यंत कुकरेजा का खास दोस्त। इतना खास दोस्त की एक चैनल है दुष्यंत कुकरेजा का, जिसपे 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा है, उसके चैनल में फीचर्ड है, मतलब क्लोज। अच्छा, और स्क्रीनशॉट को मत बोल देना कि भाई बहन और दोस्तों को चैनल फीचर में डाल दिया, नेपोटिज्म। चुप, शट द फक अप। तो मेरे ओपिनियन के बाद अगस्ती की गांड जल गई और इसने एक स्टोरी डाली मुझे टैग करके, आजा तेरे को दिखाऊं मैं टैलेंट, शॉर्ट वालों का टैलेंट बताऊं, जानता तेरे को भी कोई नहीं, तेरे से करवा ले फैनफेस्ट हेल्प। अच्छा, पहली बात, अगर मेरे को कोई नहीं जानता तो मेरे को स्टोरी में टैग ही क्यों कर रहा है। और हाँ, टैलेंट की बात कर ही रहा है तो चल दिखा अपना कंटेंट। यार मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? कि वोट डालने की उम्र 18 साल, तो शादी करने की उम्र 21 साल क्यों? क्योंकि आदमी देश संभाल सकता है पर बीवी को नहीं। काफी ओरिजिनल कंटेंट है, नहीं मतलब संता बंता साइड से उठाना तो ओरिजिनल ही होता है। वैसे कभी जिंदगी में तुम्हें चूतिया फील हो ना तो एक चीज याद रखना कि एक ऐसा भी बंदा है जो संता बंता वाली साइड से शॉर्ट्स बना के लोगों को बोलता है आजा तेरे को टैलेंट दिखाओ शॉर्ट वालों का। अब यही बात जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, यही चीज मैंने उस दिन स्टोरी पे डाल दी। जैसी बातें मेरी जो इंस्टाग्राम आर्मी है वो उसके पास गई और इसको ट्रोल किया। अब इसके बाद अगस्ती आती है अपनी टिकटॉकर्स वाली हरकतों पे। इसने मेरे को रात को ना जान ना पहचान जबरदस्ती कॉल किया। उसके बाद मैंने यही स्टोरी में बता दिया कि इस फुतू ने मेरा नंबर पता नहीं किससे लिया और मेरे को रात को कॉल किया। कॉल करने के बाद टिकटॉकर वाली दूसरी हरकत कि जब लग जाए कि सामने वाला बैटल जीत रहा है तो यार तुम मेरे को गाली क्यों दे रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल लो। अरे भाई प्लीज भाई, भाई बंद कर दे चूतिया पे, पहले खुद ही स्टोरी में मेंशन करो कि तेरे को जानता ही कौन है। जब तुम्हें फैंस ट्रोल करने लग जाए तो फिर बोल दो कि यार तेरे फैंस तो मेरे को गाली दे रहे हैं। भाई कितना विक्टिम कार्ड खेलोगे तुम, कितना झूठ बोलोगे। अब इस वीडियो के बाद भी कहीं ना कहीं सिंपति लेगा तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ये पब्लिकली तो बोलते हैं कि देखो जानता ही कौन है, लेकिन हर रोज 3 से 4 इंस्टाग्राम स्टोरी में मेरे को मेंशन करते हैं। पब्लिकली तो बोलते हैं कि जा जो करना है कर ले, और फिर बाद में हाथ जोड़ते हैं कि भैया मेरे को गाली दे रहे हैं। पब्लिकली तो हाथ जोड़ लेते हैं और पीठ पीछे मेरे को और मेरे फैंस को मां बहन की गाली भी देते हैं।
पहली स्टोरी में बोलता है कि क्रेजी दीप तेरे को जानता ही कौन है, और उसके बाद लिटरली अभी तक ये फुद्दू मेरे को रोज स्टोरी में मेंशन करता है। कभी किसी कुत्ते को दिखा के बोलेगा कि ये क्रेजी दीप है, कभी क्रिकेट मैच देख रहा है तो वहां पे मेरे को टेक कर देता है, साला रेस्टोरेंट पे जाता है वहां पे भी मेरे को मेंशन कर देता है। भाई मैंने पता कितने पैसे दिए, पूरे 500 रुपए दिए भाई, 500 रुपए यार, इतने का तो तेरा कंटेंट भी नहीं है भाई। इसका जवाब मैं आगे दूंगा, लेकिन मालिक यार तुम्हारे पास पैसा है यार, और अच्छी बात है ना, जेब भरी भी है क्योंकि दिमाग तो पूरा खाली। इनकी वीडियोस देख के ऐसा फील होता है कि यार कोई कितना डम हो सकता है, मतलब स्कूल कॉलेज जाने का कुछ फायदा हुआ कि नहीं। अब तुम्हारे साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि कॉलेज एकेडमिक और इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, गैप होता है, उस गैप को फिल करने का काम करता है स्किलिंग। स्किलिंग में आपको पीजी प्रोग्राम्स मिलते हैं अक्रॉस इंजीनियरिंग डोमेन, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएसई एंड मेनी मोर, और तो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, ऐसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के भी आपको कोर्सेस यहाँ पे मिल जाते हैं। अब व्यूअर्स में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्किलिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15,000 से ज्यादा एक्टिव लर्नर्स है, खुद इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ही यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसके लिए लाइव टेक्निकल सपोर्ट भी है, और सबसे बेस्ट चीज जिस चीज के लिए तुम मेहनत करते हो प्लेसमेंट ऑफ कोर्स, तो तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है क्योंकि स्किलिंग पार्टनरशिप कर चुका है बहुत सी कंपनीज के साथ, 300+ अच्छी कंपनी और 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफर लेटर भी मिल चुका है जॉब का। देखो नॉलेज तो फ्री नहीं होता, लेकिन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 15% डिस्काउंट एंड फ्री करियर काउंसलिंग। एक अस्सी के दो पापा है, पहला ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि जो क्लाउड देखो कुकरेजा इतने सालों में दे पाया, मेरी 2 इंस्टाग्राम स्टोरी दे दिया। अरे बस यार, अरे दे दिया क्लाउड, अब बंद कर दे, अरे बंद कर दे। अच्छा आदत है कुकरेजा भाई भी इसलिए वीडियो में लेते हैं। अब एक मेन चीज कि अगस्ती जब भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन करती है, चाहे कैफे में, चाहे मैच देखते हुए, या किसी भी वक्त, इवन इसकी फर्स्ट स्टोरी के टाइम पे भी, तो उस टाइम पे इसके साथ में दुष्यंत कुकरेजा होता है। मतलब मेरी वीडियो का जब रिप्लाई खुद नहीं दे पाए तो अपने एक दोस्त को आगे कर दिया, और यहाँ से ये वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर तुम्हें यूट्यूब पे आना है या यूट्यूबर बनना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें फेमस और बड़ा यूट्यूबर बनना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें दुष्यंत कुकरेजा के साथ दोस्ती करनी है, और हो सके तो अगस्ती की तरह दुष्यंत कुकरेजा के नट्स को अपने मुंह में रख लो। अब तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो अगस्ती को छोड़ के दुष्यंत कुकरेजा के एक और फ्रेंड है मनीष सैनी, इनका भी शॉर्ट्स पे वही धंधा है, किसी के जोक उठाओ और तेल दो हैं। फैन फेस्ट में इनकी सिस्टर को बुलाया गया है, तो चलो ठीक है कि इनके वीडियोस में रहते हैं और साथ में होस्ट, क्या चलो ठीक है, लेकिन जब कोई शॉर्ट्स का इवेंट होता है तो ऑफकोर्स यूट्यूब उन क्रिएटर्स को बुलाएगा जिनके या तो नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं या फिर वो टैलेंटेड है ना। लेकिन YouTube Shorts के इवेंट में भी बुलाया जाता है दुष्यंत कुकरेजा के भाई बहन और दोस्तों को, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन ये रोस्ट कम थोड़ा सा स्कैम लगता है कि अगर आप दुष्यंत कुकरेजा के दोस्त हो तो आपको फैन फेस्ट या YouTube Shorts के इवेंट में जाने को इजीली मिल जाएगा, चाहे आपके पास टैलेंट हो, चाहे आप पॉपुलर हो, चाहे आपको कुत्ता भी नहीं जानता हो। और जब मैंने इनकी प्रोफाइल विजिट करी तो मुझे पता चला कि शॉर्ट्स इवेंट में दूसरे अच्छे पॉपुलर क्रिएटर्स के साथ इनके दोस्तों को बुलाया गया जिनको सही में कोई नहीं जानता ना, जिनका कंटेंट ओरिजिनल है। फिर जब मैंने ये सब देखा तो मेरे को समझ में आया कि ये यूट्यूब शॉर्ट्स कम और कुकरेजा भाई की फैमिली गैदरिंग ज्यादा लग रही थी, कि कजिन्स को बुला लिया, भाई बहनों को बुला लिया, समझ नहीं आया मेरे को। पर मेरा पॉइंट ये है कि ना ये पॉपुलर है ना इनके पास कोई कंटेंट है, तो इनको शॉर्ट्स इवेंट में बुलाने की जगह और भी बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स थे जिनको बुलाना चाहिए, लेकिन बुलाया गया इनके दोस्तों को। अब मैंने ये वर्ड स्कैम यूज किया, उसका भी एक रीजन है कि कुकरेजा भाई के इंस्टाग्राम पे भी 1 मिलियन फॉलोवर है, लेकिन 1 मिलियन पे उनकी मैक्सिमम जो लाइक्स हैं वो आते हैं 20-25 हजार लाइक, तो तुम खुद ही सोचो कि 1 मिलियन फॉलोवर और मैक्सिमम लाइक्स 25-30 हजार। बस यही सेम चीज इनके दोस्तों के भी साथ, कि किसी के 10 हजार है या 1 लाख फॉलोवर है बट उनका एंगेजमेंट घंटा भी नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जिस चवन्नी छाप छूटी है कॉन्टेंट पे इंस्टाग्राम इनको घंटा रीच नहीं देता, वहीं पे यूट्यूब शॉर्ट्स इनकी वीडियो को 100-200 मिलियन या हर वीडियो को मिलियंस फेंक रहा है। अब इनके फ्रेंड सर्कल को अगर तुम एनालाइज करोगे तो इनके इंस्टाग्राम के सबके फेक फॉलोवर्स है, खाली दिखाने के लिए हम बहुत पॉपुलर है, वहीं यूट्यूब पे इन लोगों को फोकट में पता नहीं क्यों इतने मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, और जिस कंटेंट में 100-200 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं उसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे। जोक्स संता मंता वाली साइड से उठा लिए, लिप सिंक रील्स से वीडियो उठाई उसके ऊपर पेल दी, और इवन जो स्ट्रीट होती है जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस होती है वो किसी और का उठा के एक ही कॉन्सेप्ट पे ये 3 जने सेम वीडियो अपलोड करते हैं अपने अपने चैनल पे। हाँ तो अब अगस्ती क्या बोल रहा था भाई तू, कि कंटेंट दिखाता हूँ शॉर्ट्स वालों का, अब बता। लो भैया और भाभी, मैं तो ब्लैक पीऊंगी। भाभी ये वाली नहीं। क्यों? बा, 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 क्या बा, 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 बा? मैं तो ब्लैक ही पीऊंगी।
भाभी एक्सपायरी जो है कुत्ते तू हमें एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक दे रहा है। अबे साले वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पैक है। डार्लिंग इधर लाओ, एक्सपायरी है ये। फेंक दो इसे। हाँ, फेंक रहा हूँ, अपने पेट में फेंक रहा हूँ। अगस्त ये वीडियो देखने के बाद मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि तेरे घर में तू अकेला नहीं है जिसको खराब चीजें पेट में रखने की आदत है। बुरा मत मान, मेरी बात सुन, ये चीज कोई और ना करे, ये गलती फिर ना हो, इसके लिए मैं तेरा भाई क्रेजी दीप एक मूवमेंट, एक आंदोलन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं गरीब लोगों को या जो अफोर्ड नहीं करते या जो गलती कर देते हैं उन लोगों को बांटूंगा फ्री कॉन्डम। तो इसी उपलक्ष्य में हम बांटने वाले हैं आज घर घर जाके फ्री में कॉन्डम्स। हम इस मूवमेंट के जरिए उन गरीबों की मदद करेंगे, उन गरीबों को ये बांटेंगे जो शायद ही अफोर्ड नहीं कर सकते और उनकी गलती मेरे जैसे क्रिएटर्स या शॉर्ट्स व्यूअर्स को भुगतना पड़ती है। जय हिंद, गवर्नमेंट द्वारा जन जनहित में जारी। तो दिवेश भाई, अंकित भाई, सेक्स करने से बीमारी फैल रही है अगस्तिया नाम की, तो अनवांटेड सेक्स की वजह से कुछ ज़्यादा बीमारी ना फैल जाए इसलिए हम अपनी तरफ से अपने जेब से फ्री में कोंडम बांट रहे हैं। मजाक सर, ठीक है, तो वो जितने चाहिए उतना रख सकता है, बस एक। अंकित भाई, टूटा हुआ साज। तो फिर से मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह। तो भाइयों यार, सेक्स करने से एक बीमारी फैल रही है अगस्त्या नाम की, अभी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, तो हमने एक मूवमेंट स्टार्ट करा आंदोलन कि हम लोग फ्री में ही बांट रहे हैं, तो जिसको भी चाहिए जितने भी चाहिए आप फ्री में ले सकते हो, और कुछ नहीं, पूरा थैली भी रख सकते हो आपको जितने चाहिए। अरे रख लो, काम में आएगी। ठीक है, एक बार आप बोल दो नो मोर अगस्त्या। नो मोर अगस्त्या। थैंक यू भैया, और चाहिए और रख लो पूरा, है ना, एक बार आप बोल दो बस नो मोर अगस्त्या। नो मोर अगस्त्या। नो मोर अगस्त्या। नो मोर अगस्त्या, ये ठीक है। तो हम में और कुकरेजा की टीम में एक डिफरेंस है कि जब हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई जोक आता है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और ये लोग अरे टॉर्जी कंटेंट के लिए शुक्रिया यार, और फिर पूरी टीम क्रिंज फैलाने में लग जाती है। अमेरिका में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन की गोली ले लेते हैं। अच्छा कुकरेजा भाई, डिप्रेशन की दवाई भी आती है क्या? थैंक यू यार, आपने बता दिया। इंडिया में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप की डीपी रिमूव कर देते हैं। कुकरेजा भाई, जब किसी को एक्चुअली डिप्रेशन होता है तो ना वो चीजें फेंकता है ना वो डीपी रिमूव करता है, ये थोड़ा सा सीरियस होता है। मतलब 18 मिलियन सब्सक्राइबर, इंडिया का सबसे बड़ा शॉर्ट चैनल पे बच्चों को काफी अच्छी चीजें भी सिखाई जाती है। परीक्षा में अगर आपके बेंच के नीचे चीट मिले तो पुष्पराज मत बनिए, तुरंत झुकिए और उठा के लिखिए। अरे हाँ भाई, चीटिंग करके पास हो जाओ फिर बड़े हो गए शॉर्ट्स पे क्रिंज भी तो फैलाना है। अब दुष्यंत कुकरेजा के चैनल का जो मोस्ट पॉपुलर कंटेंट था अमेरिका वर्सेस जापान वर्सेस लोड़ा लसन, उस पे आते हैं। अमेरिका बोलता है कि हमने मोबाइल का आविष्कार किया है, चाइना बोलता है कि हमने सिम कार्ड का आविष्कार किया। अब एक काम कर, जो वो 20 रुपए वाली चुटकुलों की किताब खरीदता है उसके साथ में 20 रुपए वाली जीके की भी किताब खरीद ले, बहुत जरूरत है, क्योंकि चीटिंग तो तेने सिखा दी, अब कम से कम बच्चों का जनरल नॉलेज तो मत खराब कर। पर अब तुम लोग सोच रहोगे कि यार वीडियो लिखना शूट करना कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंटेंट भी इनका नहीं है। कोई बात नहीं, एक सीरीज तो पूरी कॉपीड है। कुकरेजा भाई की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखिए तुमने, 200 मिलियन। व्हाई चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज गिफ्ट ऑफ गॉड, क्योंकि कुकरेजा भाई उनकी वजह से आपका चैनल चल रहा है। यार कुकरेजा भाई, यार तुमने तो इमोशनल कर दिया यार, बच्चे भगवान का रूप होते हैं यार, इतनी इमोशनल चीज बता दी तुमने, और मैं कितना गंदा इंसान हूँ यार, तुम इतनी अच्छी चीजें भी तो लिखते हो, ये भी उठा लिया। ऑथर अक्रम करके एक वेबसाइट है जिन्होंने अपनी मेहनत से ये चीज लिखी होगी, तो कुकरेजा भाई ने बिना क्रेडिट दिए उठा के चेप दिया। कोई बात नहीं, 200 मिलियन ही तो व्यूज आए, क्या बड़ी बात है। जिस चैनल पे ना जोक्स ना कंसेप्ट खुद के होते हैं, उस बंदे ने इंस्टाग्राम की बायो पे लिख रखा था कॉमेडी किंग, हालांकि अब हटा दिया है, तो कुकरेजा भाई बायो मत हटाओ, चैनल भी हटा दो। लेकिन अब थोड़ी सी सीरियस बात है।
अब अगर तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम शॉर्ट से नहीं है या दूसरे शॉर्ट्स क्रिएटर से नहीं है, प्रॉब्लम है YouTube का नेपोटिज्म इन लोगों को लेके कि इनके दोस्तों को ही आगे करना, इनके दोस्तों को ही शॉर्ट्स पे रीच देना और इनके दोस्तों को इवेंट्स में बुला लेना, प्रॉब्लम मेरे को इस चीज से। अब अगस्त ऐसे फुद्दू लोग और इनकी फुद्दू ऑडियंस मेरे पास आके बोलती है तो तेरे को मिलते हैं क्या मिलियंस ऑफ व्यूज, तू तो इसलिए जलता है इनसे, तेरे आते हैं मिलियंस ऑफ व्यूज। चलो मानता हूँ कि उसके करोड़ों में व्यूज आते हैं पर जो कंटेंट उसके चैनल पे लोग देखने जाते हैं जिसका वो क्रेडिट किसी और को देता भी नहीं है, सोचो वो कंटेंट ही उसका नहीं है। किसी रीलर या किसी वेबसाइट वाले बंदे की हफ्तों की महीनों की क्रिएटिविटी उनके आर्ट को ऐसा कैसा वीडियो में छाप दिया बिना क्रेडिट के, और वो बंदा जो बंदे ने छापा है वो बंदा अब शॉर्ट्स का एक मेन फेस बन के बैठा हुआ है। इवन जो रील्स पे बंदे मेहनत करते हैं, जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को उठा के ये लोग अपने चैनल पे फेल देते हैं बिना क्रेडिट के, और एक बंदा नहीं इनकी पूरी टीम सेम कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाती है। तो जिस बंदे ने सच में मेहनत करी होगी, उस कॉन्सेप्ट को सोचा होगा, लिखा होगा, उसके घंटा व्यूज नहीं आए और ये बंदे बन गए भैया यूट्यूब के मेन फेस। और यहां से ही आता है एक मेरा मेन पॉइंट, क्रेडिट। आधे से ज्यादा लिपसिंग वाली वीडियोस में कुकरेजा भाई ने कभी किसी को क्रेडिट नहीं दिया। इवन कुकरेजा को छोड़ो, मैं शॉर्ट्स पे आता हूँ। यहाँ पे बहुत सी वीडियो जैसी अपलोड होती है जिसके अंदर लॉन्ग फॉर्मेट वालों का कंटेंट उठाया जाता है, उसकी पूरी वीडियो ही डाल दी जाती है, पीछे से उसकी आवाज हटा के खुद की आवाज जोड़ दी जाती है और उस वीडियो पे लोगों को मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, ना कोई क्रेडिट ना कोई कॉपीराइट क्लेम। और यही सेम चीज अभी बहुत से यूट्यूबर्स के साथ हो रही है, तो उसमें से एक हितेन भाई मतलब द जॉबलेस गाय एक काफी अच्छे यूट्यूबर है, ये खुद आपको एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों दीप ये जो भी बोल रहा है वो ऐसे ही हवे में बात नहीं कर रहा, कॉज मैं हूं उसका विक्टिम। ये है मेरी इलॉजिकल इंडियन एड्स वाली वीडियो। उस टाइम मेरे पास पर्सनल रूम माइक कुछ नहीं था, कुत्ते की तरह मेहनत करी, 2 साल में 2.5 मिलियन व्यूज। इसी वीडियो को 10 दिन पहले एक शॉर्ट चैनल ने री अपलोड किया मेरे ही डायलॉग और मेरी ही क्लिप्स वैसी की वैसी ऐड करके, 10 दिन में 1.5 मिलियन व्यूज। और ये करने वाले एक दो चैनल नहीं है, कितने ही चैनल सेम चीजें करते हैं। एक काम करो, उसी पानी में इसको डाल के राजसी शरबत बनाकर पी लो, इसी बहाने प्रोडक्ट और एड का तालमेल तो हो जाएगा, मतलब कुछ भी अच्छा सा सोशल में। एक काम करो चाचा जी, उसी पानी में उसे डालकर राजसी शरबत बनाकर उसे पी लो, कम से कम इसी बहाने प्रोडक्ट और एड का तालमेल तो हो जाएगा, मतलब कुछ भी अच्छा सा सोशल में। एंड द वर्स्ट थिंग इज इतने वीक एल्गोरिथम वाले इस यूट्यूब शॉर्ट्स को फ्यूचर में मोनेटाइज भी कर पाएंगे। अब शायद तुम्हें लग रहा होगा कि इतने रोस्टर्स ने रोस्ट किया है तो कुकरेजा भाई ने खुद वीडियो लिखना स्टार्ट कर दी होगी, हैं? ऐसा अभी भी नहीं है। इसकी लेटेस्ट जो वीडियो है, एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था, उसने एक भारतीय नारी को मंदिर से बाहर आते हुए देखा और बोला, मेम साहब मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। वीडियो को भी साइड से। अब यूट्यूब पे जब हम लॉन्ग फॉर्मेट वालों की बात करते हैं तो रिपीटेटिव कॉन्टेंट डालना, इवन टाइटल भी डालना अलाउ नहीं है, उसकी वजह से हमको स्ट्राइक पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे आती है एक और घटिया चीज कि जब ये जोक कॉपी करते हैं किसी साइट से और उस पे एक बंदा वीडियो बनाता है तो उसी कॉपीड जोक की ये लोग 3 चैनल पे अपलोड करते हैं, है ना? और जब ये उसको री अपलोड कर रहे हैं उसके बाद जो बंदा आखिरी में भी डालेगा ना उसकी वीडियोस भी ट्रेंडिंग पे आ जाती है, और अभी 3 दिन पहले ही आई है। किसी और की मेहनत पे ट्रेंड करके फिर ये लोग स्टोरी भी डालते हैं शो ऑफ करते हुए कि ट्रेंडिंग पे आ गए लोंडे। सुन मेरी बात, जिस साइट से कंटेंट उठाया है उसको क्रेडिट दे, शो ऑफ बंद कर, और ट्रेंडिंग पे लोंडे नहीं, ट्रेंडिंग पे कंटेंट चोर आए। तो यार बस, अब मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो कब डिलीट करवा देंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने धमकी तो मेरे को पहले ही दे दी है। तो अब यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो इस वीडियो को डाउनलोड करके री अपलोड कर दो। और हाँ क्यूटीज, प्लीज सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लो @crazydeep07। एंड हाँ, हमारे स्पॉन्सर ने हमको लास्ट मोमेंट पे हेल्प की है तो प्लीज जाके स्किल लिंक को चेक करो, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से तुमको 15% डिस्काउंट मिलेगा और फ्री काउंसलिंग तो मिलेगी ही सही। जाओ बाय।